सौ so भाई लोग हो चुके हैं बैक फिर से अनदर वीडियो के साथ में और भाई आज हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक नया सा चैप्टर है जो कि है हमारा एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल भैया डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में से पाँच नंबर में दस नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सो so भैया उससे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ कुछ देख लेते हैं पहले तो और ये भाई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक चैप्टर है तो कुछ कुछ देख लेते हैं भाई जिसको नोट्स बनाना है वो स्क्रीनशॉट भी ले लो ये दो पेज है और या तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो भाई सो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नीड ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो भाई ये जो हमारा वीडियो होगा ये इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक्स भी होगा और एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल के बारे में भी होगा डिफरेंस में बताऊंगा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद द इलेक्ट्रॉनिक मेनुपुलेशन ऑफ नंबर्स और विद द मैनुप्लेंशन ऑफ वेरिंग क्वान्टिटीज़ बाई मींस ऑफ नंबर्स, बिकॉज इट इज़ कन्वीनियंट टू डू सो टू डिजिटल सिस्टम डील्स ओनली विद द जीरोज एंड बिकॉज दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इजिली बाई दफ एंड ऑन ये वे तो भाई जिसको नोट्स बनाना है एग्जाम लिखना है भाई ये सब लिख लो पढ़ लो और डायरेक्ट मार्क्स आएंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ दडी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट डेट आर यूज टू यूज टू प्रोसेस एंड कंट्रोल डिजिटल सिग्नल तो डिजिटल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है इज़ स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट का स्टडी है दैट आर यूज टू प्रोसेस एंड कंट्रोल द डिजिटल सिग्नल जिसका जो काम क्या है जिसका काम क्या 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 है कंट्रोल करना और प्रोसेस को बनाना किस चीज़ का डिजिटल सिग्नल का इज़ स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट आर यूज टू प्रोसेस एंड कंट्रोल द डिजिटल सिग्नल्स ठीक है भाई तो ये डेफिनेशन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को भी पूछ ले क्या है तो भाई रट के जाओ आंसर मिल जाएगा ठीक है अब भैया डिजिटल सिग्नल होता क्या है वो देख लेते इट इज़ अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा डैट कन्वर्स द डेटा इंटू डिस्क्रीट वैल्यू बेस्ड ऑन बैंड्री कोडेड कंप्यूटर सिस्टम एंड वर्क अपॉन ठीक है भैया डिजिटल सिग्नल सिग्नल क्या हो गया सपोज इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म एंड सिटीवेल फॉर ट्रांसमिशन सिग्नल मतलब क्या हो गया कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं सिग्नल बोलते हैं अब भैया हम कोई इन्फॉर्मेशन है उसको जब तक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में नहीं भेजेंगे तो ट्रांसमिशन कैसे होगा कैसे अब इंटरनेट पर बैठे हो कोई इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है कैसे सिग्नल बन के ऐसा थोड़ी हवा में अक्षर उड़ रहा है भाई तुमको रास्ते में कोई गाली दिया तो वो गाली उड़ के जा रहा है किसी और के पास ऐसा थोड़ी होता है नहीं भैया वो सिग्नल में पहले कन्वर्ट होता है अब जब सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है तब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है तो ये हमारा क्या होता है सिग्नल होता है सिग्नल दो तरह का होता है एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल ठीक है भाई जो मेन हमारा मुद्दा है वो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल ही पढ़ना है ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है तो एनालॉग सिग्नल में क्या लिखोगे कंटिन्यूस वेरिएशन ऑफ़ इंफॉर्मेशन सच एज करेंट और वोल्टेज इसमें क्या है फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इन डिस्क्रीट फॉर्म यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म में होता है यहाँ पे डिस्क्रीट फॉर्म में ठीक है या ट्रांसमिशन यूजिंग अ कंटिन्यूसली चेंजिंग क्वान्टिटी एच पाई रेफरेंस और वहाँ पर भाई डिस्क्रीट फॉर्म में होता है तो so चलो उसका हम देख लेते हैं पहले डिफरेंस जो डायरेक्ट आता है भाई है कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिजिटल ये हो गया डिजिटल का मैं लिख देता हूँ फिर से ये किसका हो गया भाई ये हो गया डिजिटल डिजिटल का ये हो गया एनालॉग का एनालॉग तो यह सिग्नल दो तरीके का हो गया एनालॉग एंड डिजिटल एनालॉग में क्या हो गया हैव कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिजिटल में क्या हो गया डू नॉट हैव कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल ठीक है रिप्रेजेंट साइन वेव्स इसको साइन वेव्स से करते हैं और इसको रिप्रेजेंट बाय स्क्वायर वेव्स ठीक है साइन वेव्स पता है भाई क्या होता है ये वाला गया इसको रिप्रेजेंट करते हैं यूज इन एनोलॉग डिग सिग्नल है फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक कंप्यूटर एंड मोबाइल एग्जाम्पल देख लो ह्यूमन वॉइस ये वो इसमें कंप्यूटर ऑप्टिकल ड्राइव से वही रट के जाओ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पाँच मार्क्स में ना अब देख लेते हैं नीड फॉर डिजिटल डिजिटल सिग्नल्स कॉन्वे इन्फॉर्मेशन विथ लेस नॉइस ठीक है तो डिजिटल डिजिटल सिग्नल ज़्यादा बढ़िया होता है क्योंकि लेस नॉइज में कॉन्वे करता है मैसेज डिस्टॉर्स एंड इंटरफेस डिजिटल सर्किट्स कैन बी रिप्रोड्यूस्ड लो कॉस्ट भैया सबसे आसान मतलब सबसे अच्छा दोनों को कंपेयर करें तो डिजिटल ही होता है क्योंकि लो कॉस्ट कॉस्टेज बन जाता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग इज मोर फ्लेक्सिबल बिकॉज डीएसपी ऑपरेशंस कैन बी अल्टरनेट यूजिंग डिजिटल प्रोग्रामेबल सिस्टम ठीक है तो अब ये भाई नीड है डिजिटल नीड क्या क्या क्यों हमको डिजिटल सिग्नल ज़्यादा हमको यूजफुल है अब भाई जिसको ये याद नहीं हुआ डिफरेंस शॉर्टकट में मैंने लिख रखा है जो जो जल्दी से याद हो जाए अनॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल कंटिन्यूस टाइम डिवाइडेड इंटू इंटरवल्स ये जब ट्रेवल करता है कंटिन्यूस ये इंटरवल में डिवाइड होकर कंटिन्यूस वैल्यू यहाँ पर क्या होता है बाइंडी नॉइज सेंसीटिव नॉइज टॉलरेंट होता है ये नो ऑप्टिकल फॉर स्टोरेज यहाँ पे स्टोरेज के लिए भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए भी यहाँ पे दिया रहता है यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो भाई ये वाला जो है कंक्लूजन ये निकला है अभी तक मैंने जो भी बताया है उसमें ये वाला जो पार्ट है रट के जाओ पाँच मार्क्स पक्के हैं नहीं तो चैनल अनसब्सक्राइब करना भाई ठीक है ये वाला बस रट लो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच